उठो हाँ उठो, चलो चलो चलो। दोस्तों देखिए कितना आलस कर रही है ये करने के लिए, कर लेगी उठ के तो नहीं होगा। नहीं उठो उठो कोई मुझे बात फिर नहीं। से दुखला। हाँ तो दुखता करने के बाद दुखेगा ही ना रे, ऐसे थोड़ी है। कोई भी चीज हासिल करने के लिए तो उसमें थोड़ा परेशानी उठाना फिर भी पड़ता है आप ना। उठो ना। परेशान कर रहे हाँ हो उठो मेरा ना। दिमाग। मेरे लिए तो अभी सुबह सुबह मत चालू हो जाइए। तो वो तो बोला मेरे लिए क्या बनाते वहां बताओ ना। भी हाथों से खा ले बलमा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारा शशि ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक प्यारा सा ब्लॉग लेकर के। और दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी बिस्तर पे ही हैं। आज मैं भी नहीं गया घूमने के लिए। रीज़न ये था दोस्तों कि ठंड काफ़ी थी और माला को तो उस दिन से जो पेट में दर्द उखड़ा है तो अभी थोड़ा थोड़ा आराम हुआ, क्योंकि वो तुरंत ठीक होता नहीं है इस वजह से। क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि अंदर करने के चक्कर में जो है इसका पेट जो है ना थोड़ा मांसपेशी जो है वो दर्द कर रहा है, तो इस वजह से ये अभी आज ये भी घूमने के लिए नहीं गई। मैं तो गया ही नहीं ठंड थी इस वजह से। आज इसका फ्रेंड ने इसको फ़ोन की तो ये नहीं घूमने के लिए गई। तो चलिए अभी इसको जगा देता हूँ। उठो उठो उठो, कितना सोएगी, उठ जाओ, चलो उठो रे बाबा, चलो 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 चलो, उठ जाओ, चलो चलो उठो, चलो उठ जाओ ना, कितना सोएगी, चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग बोल दो फ्रेंड को, बोलो बोलो तो। तो गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो ना। ए ए ए माय बेबी, उठो उठो, गुड मॉर्निंग बोल दो फ्रेंड को। अरे बोल दो गुड मॉर्निंग यार, बोला उठो 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 उठो, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। उठो उठ जाओ अभी, क्या इतनी ठंड लग रही है, सुबह हो गया फिर भी ठंड लग रही है। उठ जाओ ना अभी, कितना सोएगी। हाँ तो दर्द तो हो रहा है, मुझे भी मालूम है दर्द हो रही है, तो उठ जाओ ना अभी। दर्द हो रही है तो क्या करेगा फिर, सोए रहेगी क्या? सोने से दर्द ठीक हो जाता है क्या? उठेगी घूमेगी फिरेगी तभी जाके आपको दर्द ठीक ठंडा नहीं होता लग ना। रहा है? चलिए हम ठंडी चलें, लग रही है ना, मैं भी घुसा हुआ हूँ ना अंदर। आ जाइए ना फिर अच्छे से हो या तुम का ये हो जाइए ना ब्लैंकेट का। हाँ अच्छे से किया हूँ, तुम उठो ना, चलो ना उठ जाओ, चलो। तुरंत से हो अरे सुबह ज़्यादा हो गया, उठ जाओ अभी, ज़्यादा मत सो। और दर्द हो रहा है तो कंटिन्यू करेगी तो दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है, नया नया में दर्द होता ही है, उसके लिए कुछ टेंशन मत लो। कंटिन्यू जब रेगुलर रूप से करेगी ना तो अपने ठीक हो जाता है। आपको ठंड नहीं लगता? हम मुझे बहुत ठंड लगता है। तुमको ठंड लगती है इसके लिए तो बोलता हूँ ना, तुम जग के तो सुबह सुबह करती हो ना, इसलिए ठंड लगती है तुमको। तो दोस्तों देखिए कितना आलस कर रही है ये करने के लिए, कर लेगी उठ के तो नहीं होगा। नहीं उठो उठो कर लो, चलो। मुझे फिर से दुबला। हाँ तो दुखता करने के बाद दुखेगा ही ना रे, ऐसे थोड़ी है। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए तो उसमें थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है ना। उठो ना, तो दुखता है तो कैसे, इसके लिए तो बोल रहा हूँ दुखेगा ना तभी जाके तुम्हारा वो जो है उस ठीक होने वाला है। रेगुलर रूप से करेगी ना तो ठीक हो जाता है, दो चार दिन में वो नहीं होता है वैसे, कम से कम एक हफ्ता रेगुलर करेगी तब जाके ठीक होता है। चलो उठ जाओ। आपको पता है ना दुख रहा है मुझे, हाँ मुझे पता है ना दुख रहा है, तो उठो ना, चलो ना। उठ जाओ फिर उठ भी जाओ। आप परेशान कर रहे हाँ हो उठो ना। मेरा। तो दोस्तों चलिए क्या हुआ है ना, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो लगाया था ये वर्कआउट, इसको मतलब वहाँ पे गई थी तो डांस क्लास में एक्सरसाइज सब करवाई है ना, तो इसके वजह से इसका पेट का जो है ना चमड़ी सब दर्द कर रहा है, मांसपेशी सब एक्सरसाइज करने की वजह से। तो इसको मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी जग गई है तो सुबह सुबह थोड़ा रूम में भी प्रयास कर लिया करो ना, मतलब जो वर्कआउट वहाँ पे बताया गया है। तो उससे क्या होता है, रेगुलर रूप से करने से जो मतलब खिंचाव होता है पेट में, वो तनाव होता है ना, वो अच्छी तरीके से फिर कवर होता है, धीरे धीरे ठीक होता है। और दो चार दिन करने के बाद तो दर्द तकलीफ होती ही है। चलो उठ जाओ। आप इतना मुझे उठाने के लिए प्रयास में रहते हैं हमेशा। चलो ना उठ जाओ ना बाबा, चलो 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 उठ जाओ, तो चलो उठो 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 उठो। उठो, और सुबह सुबह भगवान का नाम लो। सुबह है लो शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, जय शिव जी। उठ जाओ, चलो अभी उठ जाओ, ज़्यादा लेट मत करो।
उठता है। क्या हुआ, उठो ना जी, इतना आलस करेगी तो कैसे काम चलने वाला, तुम्हें बताओ तो। हमेशा तुम आलस करते रहती है, इतना सुस्त भी तो नहीं रखना चाहिए बदन को। चलो उठ जाओ, बिस्तर से भी उठा लो, तुम सभी साफ सुफ फटाफट कर लो। अभी उठ जाता हूँ दोस्तों, चलो। क्या होता है रे, इतना आया करती है, दुखता है ना मुझे। दुखता है तो वर्कआउट करेगी तो फिर ठीक हो जाता है ना, इसलिए तो तुमको बोला ना, छोड़ छोड़ के बीच बीच में वर्कआउट करेगी तो फिर ऐसे होता है। बाल देखो कैसे हो गया तुम्हारा, चिड़िया का खोता जैसा। देख अरे गोद में सोने के लिए, अरे उठ जाओ ना यार, दुख रहा है फिर भी। हाँ तो चालू कर दो ना अभी वर्कआउट, ठीक हो जाएगा ना। उठो ना तुम, उठेगी तभी ना। चलो चलो उठो। गोद में कौन करता है वर्कआउट, बंद में नहीं कि तो फिर बाहर क्यों नहीं की घूमने के लिए, घूमने जाती बाहर तब ना। गोद में वो तो गोद में क्या, ड्रेस जिसके पास ड्रेस नहीं हो क्या गोद में नहीं कर दिए क्या वर्कआउट, ऐसा थोड़ी रहता है। तो फिर गोद में ऐसा नहीं रहता है बाबा, जिसके पास नहीं है ड्रेस तो वो नहीं करता है क्या, उसको भी करना पड़ता है ना। अभी तुम्हारे पास तुम खरीद ली तो तुम बोल रही मैं ड्रेस है मेरे पास, जिसके पास ड्रेस नहीं है जिसके पास गौन है तो गौन भी गौन में भी कर लेता है ना, ऐसी कोई बात नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना, चलो ना उठो ना, थोड़ा कर लो वर्कआउट और उसके बाद से बिस्तर से फटाफट उठा लो। तो चलिए दोस्तों, आप जो ना वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, माला जब थोड़ा वर्कआउट कर लेती है और जो थोड़ा बिस्तर उठाएगी उसका आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो में है ना कंटिन्यू बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यार इस तरह से बनाए रखिएगा हम दोनों कपल जोड़ी को। हाँ फ्रेंड्स, गाइस फाइनली जो है माला ने थोड़ा सा वर्कआउट कर ली घर पे और तृप्ति बेटा भी यहाँ पे देख पा रहे हैं जग चुकी है। ये जगने के लिए नहीं सोच रही थी तो इसको भी बैठा दिया हूँ चेयर पे और माला जो है फटाफट अभी यहाँ पे बिस्तर उठा लेती है। हाँ। तो प्लीज़ आप वीडियो में कंटिन्यू जो है बने रहिएगा। देखिए हमारा बिस्तर कुछ इस तरीके से, हमारे पास दोस्तों बेड नहीं है तो इसीलिए हम लोग नीचे ही सोते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं माला जो है ब्लैंकेट को फोल्डिंग कर रही है और जैसे ये सारा कुछ हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा झाड़ू बहारू का भी काम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है जो प्लीज़ वीडियो में अंतिम समय तक ज़रूर बने रहें और आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको किस तरीके से हम धन्यवाद ज्ञापन करें, हमारे दिल में इसके लिए कोई मतलब शब्द नहीं है, शब्दों से नहीं बयां कर सकता हूं। तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि इस तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं इस चैनल पर उसे पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो माला का फाइनल यहाँ पे बिस्तर उठा के काम हो चुका है खत्म, आगे की वीडियो में कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। फाइनली जो है माला का बिस्तर भी उठा के हो गया, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं झाड़ू लेके रेडी हो चुकी है काम कर रूम का क्लीनिंग करने के लिए। टिकली भी घूम जाती है रात को मेरी बीबी का, बताइए दोस्तों, रात भर बिस्तर पे सोएगी तो इधर से उधर होता है सर, तो टिकली तो घूमने वाली ना है? तो चलो फटाफट झाड़ू मार लो। तो यहाँ पे देखिए गाइस माला का जो है झाड़ू मारने का काम सुबह सुबह कुछ इस तरीके से चालू होता है और अभी जो हम लोग रूम बंद ही रखे हुए हैं क्योंकि रूम को खोलने के बाद ना बाहर से काफ़ी ठंडा हवा आती है, इसलिए हम लोग रूम बंद रखे हुए हैं। अब माला जगी है और झाड़ू मार के जब रूम के पास जाएगी ना तब वहाँ पे जाके रूम को खोलेगी कचरा बाहर निकालने के लिए। तो आप लोगों के एरिया में कैसी ठंड है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं हमारे प्यारे YouTube फैमिली, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों।
तो गाइज माला ने आपने देखा कि किस तरीके से इसको जगाने के बाद घर का सारा काम काज की। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए हमारे कपल जोड़े को, ऐसा ही अपना प्यारा प्यारा लाइक और कमेंट करते रहिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना प्लीज तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, और ज्यादा ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और कहां कहां से आप लोग वीडियो देखते हैं उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, हमारे प्यारे फ्रेंड्स दोस्त देवर जो भी है। नहीं करेगी तो क्या करेगा क्या करेगा, मोबाइल में घुस के आएंगे हम आप सभी के लिए। उठो हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट क्यों नहीं आ रहे तो दोस्तों ऐसी कुछ बात नहीं है, आप लोगों से जितना मतलब बन सकता है उतना हमें सपोर्ट कीजिए, और प्लीज इस तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। और प्लीज आप सभी वीडियो को देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमेशा वीडियो देखिए कमेंट कीजिए आपकी भाभी के लिए आपके भैया के लिए फ्रेंड लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। मेरे लिए क्या बनाती है आपके लिए तो मालूम है ना, क्या क्या बोलते बोलो क्या बनाती है मेरे लिए तो अभी सुबह सुबह मत चालू हो जाइए तो वो तो बोलो मेरे लिए क्या बनाती है बताओ ना वहाँ भी क्या करता है मैं क्या कर रहा है क्या बनाते मेरे लिए बताओ तो पहले आपके लिए क्या बनाते देखते नहीं गरम अरे क्या हलवा पूरी बनाते हैं और गरम गरम हाथ लरम लरम हाथ से खा ले बलमा देखिए इसका काम क्या क्या है मेरा काम बताओ तो पहले क्या है मेरा काम शरारत करने के चक्कर में दवाल में कलर लग गया तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलता हूँ फिर से आप सबों से एक नए वीडियो के साथ। हाँ, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बनाए रखिए, टाटा बाय बाय। देखिए फिर से हमारा बिंदी घूम गया, बिंदी बोलते है पहले जाके फ्रेश हो जाओ फटाफट, नई बिंदी लगो तो इसलिए घूम जा रही है, आएगा समझ में। तो चलिए दोस्तों टाटा बाय बाय।